लोग अभी जहाँ है वो वॉच टावर है, वहाँ से हम लोगों का होटल भी दिख रहा है, सामने ही है, लेकिन यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, आप लोग देखेंगे अभी, बहुत ही बढ़िया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मेरा नाम है देवाशीष। ये वीडियो बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जाएंगे त्रिपुरा की सबसे ऊंची जगह मतलब बतलंग शिप। इस ट्रिप में हम टोटल 8 लोग हैं। ये ट्रिप बहुत अचानक से प्लान किया गया है और इस ट्रिप की सभी अर्जेंट बुकिंग और बाकी सब काम सर ने किए हैं, तो थैंक यू पार्थ सर। और ऑब्वियसली इन 8 लोगों में से मैं भी एक हूँ। जम्पुई जाने की रोड पे ही एक झरना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके भी है ये देखने के लिए, तो हम भी रुक गए कि ये झरना कैसा है, चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये झरना की जो पानी है वो एक टंकी पे जमा होते हैं। मुझे लगता है यहाँ का जो लोग है वो शायद इसी पानी को पीते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है पानी सेव करने का। पता नहीं ये पानी आ कहाँ से रहा है, पत्थर के बीच में से या पेड़ों के जड़ से, भगवान ही जाने। लेकिन जहाँ से भी आ रहा है देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, पानी भी एकदम साफ है। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बाहर बहुत सारा धूल है और इसके वजह से मैं कार के विंडो इतना बार खोला और इतना बार बंद किए कि ठंड के दिन में भी अभी एसी चलाना पड़ रहा है, और विंडो अगर बंद ना करूँ ना तो सांस फूल के ही मर जाऊँगा धूल की वजह से। मुझे नहीं पता आप लोगों को वो ऊपर जैसी भी दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन मेरा सवाल बस एक ही है, वो वहाँ तक चरा कैसे? वो लोग बोल रहे हैं वो पहाड़ काट काट के रोड के लेवल पे लाएगा। वाव, ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो 6 सालों में कंप्लीट होगा। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है ये NH-44A है। यहाँ पर लोग इसलिए रुके हैं कि जेसीबी कैसे रोड क्लियर करते हैं वो देखना है, तो मेरे पास भी बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम है तो चलिए देखते हैं। और जब तक ये रोड क्लियर भी नहीं होगा तब तक हम लोग जा भी नहीं पाएंगे यहाँ से, तो चलिए देख ही लेते हैं।
देखिए यहाँ का लोकल लोग अपना घर पहाड़ के एकदम ढलान में कैसे खूबसूरत तरीके से और खूबसूरत डिजाइन से बनाए हैं। वाओ, देखिए एक बार इस घर को। ये घर मुझे सबसे अच्छा लगा। बस आई होप के इन लोगों ने ये घर अर्थक्वेक झेलने के हिसाब से डिजाइन बनाए होंगे। ये हम लोग आज जिस लॉज पे रुकेंगे उस लॉज के मेन गेट है, तो चलिए अंदर चल के देख लेते हैं। इस लॉज का नाम है ईडन टूरिस्ट लॉज। शायद यहाँ पर एक ही ऐसा लॉज है रहने के लिए, तो आप लोग अगर इसको बुक करना चाहते हैं तो इसको एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन के पे इसका लिंक और फ़ोन नंबर जैसे बुक करते हैं मैं इसका डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग लिंक और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिए एक बार। यह है हम लोगों का रूम। वहाँ पर एक ही रूम पे 3 सिंगल बेड और आप लोग चाहे तो वो आप लोगों को डबल बेड भी दे सकते हैं। प्राइस शायद सेम ही रहेगा या फिर 100-200 रुपये इधर उधर, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस सेम ही रहेगा। इस रूम पे आप लोगों को और मिलेगा कभी ना चलाने वाला एक टीवी और कभी ना चलने वाला एक टेलीफोन, जो दोनों आप लोगों का किसी काम की नहीं। हर रूम का प्राइस है 900 रुपये पर डे। हम लोग जिस रूम पे रुके हैं उसका सामने ही बालकनी से एक दूर एक वॉच टावर दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह वहाँ पे चढ़ के चारों तरफ का एक डिटेल व्यू आप लोगों को देने के लिए, और वहाँ से हम लोगों का ये लॉज कैसा दिखता है वो भी कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। ये इस लॉज का बैक साइड है जहाँ पर एक अकेला धूप सेकता हुआ खरगोश जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, और यहाँ पर और एक पोकोबाइन जो अपना खाना ढूंढने में बिजी है। यह हम लोगों का लॉज जो रात पे ऐसा दिखता है। हम लोग ये प्लान किए कि हम लोग खाना खुद बनाएंगे, तो इसलिए हम लोगों को लॉज से थोड़ा सा दूर आना पड़ा क्योंकि लॉज के एरिया के अंदर ये अलाउड नहीं है।
the next day. यार नजारा इतना अच्छा है, शायद आप लोगों को और कहीं ना मिले, सिर्फ इस जगह पे ही मिलेगा आप लोगों को ऐसा खूबसूरत ये नजारा। इतना अच्छा है कि मतलब क्या बताओ यार, एक बार आइए यहाँ पर, दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया है, पीछे पहाड़, एक हवा सा चल रहा है, थोड़ा सा ठंड भी है, अच्छा ही लग रहा है। तो आइए आप लोग और कोशिश करिएगा कि नवंबर पे आइए आने का। तो नवंबर पे आने से फ़ायदा ये है कि आप लोगों को यहाँ का जो ऑरेंज वगैरह है वो मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अभी जिस टाइम पे आए हैं वो ऑरेंज ख़त्म हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म है। बाज़ार पे कुछ मिलेगा शायद, तो जो पेड़ पे होते हैं वो नहीं है। नवंबर पे आता तो शायद पेड़ पे भी दिखा सकता था और कुछ शायद तोड़ने को मिल जाए। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर आने की कोशिश करेंगे तो फिर नवंबर पे आइए, तो आप लोगों के ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। और यह का जो पेड़ है ऑरेंज का पेड़, वो शायद त्रिपुरा के सबसे अच्छा यह पेड़ ही मिलते हैं, लेकिन नज़ारा भरपूर मिल रहा है यार, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। हम लोग अभी जहाँ है वो वॉच टावर है, वहाँ से हम लोगों का होटल भी दिख रहा है, सामने ही है, लेकिन यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है आप लोग देखेंगे अभी, बहुत ही बढ़िया है। और मैं होटल भी दिखाऊंगा यहाँ से कैसा दिखता है हम लोगों का होटल, बहुत ही बढ़िया है। मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग जिस लॉज पे रुके हैं वो यहाँ से कैसा दिखता है। यह है हम लोगों का लॉज जो दूर से ऐसा दिखता है, दो बिल्डिंग है एक साथ, हम लोग सामने वाले पे ठहरे हैं। तो चलिए अब दूसरा नज़ारा देखते हैं। आज और एक प्लान कर रहे हैं कि यहाँ का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है मतलब बेथलन शिप, उस पे जाने का। तो उस जगह पे थोड़ा सा भी क्लैश वैश चल रहा है, लेकिन हम लोग तो परमिशन ले लिए, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, वहाँ पर शायद सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगा, तो देखते हैं। और बेथलन शिप पे भी उस जगह सबसे ज़्यादा ऊँचा है, मतलब उस जगह को लेके ही क्लैश वैश चल रहा है अभी। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस जगह पे जाने का और आप लोगों को एक अच्छा सा ब्लॉग लाने का इस चैनल पे। तो चलिए होप करते हैं कि हम लोग जाएंगे आज और वहाँ से एक ब्लॉग लेके आएंगे शानदार आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप के वो वाला ब्लॉग मतलब जो बेथलशिप वाला ब्लॉग वो अगले ब्लॉग पे आएगा, तो आप लोग उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो सबसे अच्छा होने वाला है। तो बहुत कम लोग ही वो उस जगह पे जाते हैं क्योंकि उस जगह थोड़ा सा क्लैश वैश अभी है और थोड़ा सा दूर भी है, तो बहुत सारे तो लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। तो चलिए आई होप हम लोग जा पाए।
खत्म है, बाजार पे कुछ मिलेगा शायद। तो जो पेड़ पे मिलते हैं, जो पेड़ पे होते हैं वो नहीं है, तो आप लोग ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। दे फार तो सब नहीं आ सके तो ये फार रेडी अलग है। ओ व्हाट स्टार असर एकता उफे ओ ये जो जरा अंतर आ गया पुरन जो देख ले बिकू ले उत्तम तो ठीक हो फोरे नहीं जाई तो दे रख दी है चला। अब से आडा मुझे को दे अब से आडा मुझे एक बार तेरे मुड़ को दोस्त का फेर हाय रिफ्लेक्शन है सर। सर की भिटे पे आगुन फोन है सर। अरे तो